हेलो एवरीवन, मैं हूँ उस्माली शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन स्पून। जब भी घर में मटन आता है तो सबसे पहले यही ख्याल आता है, इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट से भी अच्छी मटन करी की रेसिपी, वो भी कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ, जो टेस्टी और ईजी तो है ही, और साथ ही इस रेसिपी के साथ आप मटन करी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले एक कुकर में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 से 1.5 इंच कलमी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ती। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऑयल में डाल देंगे और 10 से 12 सेकंड के बाद इसमें एक मीडियम साइज अनियन को स्लाइस में कट करके ऐड कर लेंगे और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब एक टमाटर और एक मीडियम साइज प्याज की प्यूरी बनाकर कुकर में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 किलो मटन लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे ऐड करके मिला लेंगे। इसमें 1 कप पानी डालकर इसे मिला लेंगे और फिर कुकर को बंद कर देंगे और फिर कुकर को हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 20 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। 20 से 25 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद ही इसे खोलेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए करी का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी इसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए मटन भी अच्छी तरह कुक हो गया है। अगर आपका मटन कुक नहीं हुआ है तो आप कुकर को बंद करके फिर से मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक और कुक कर लें। फिर इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा चॉप्ड हरा धनिया डालेंगे और 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के बाद आपको ये इजी मटन करी बहुत पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। आपके 1 लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। Thank you for watching. Please share and subscribe my channel. और जल्द ही मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। So take care and stay safe. Thank you for watching.